जब उनकी दुआएं लेके आगे बढ़ेंगे, जब उनकी दुआएं लेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे। माँ की दुआओं में बहुत असर होता है, बस माँ की दुआएं लेके आगे बढ़े। पर करने वाली मैं नहीं, करवाने वाला वो है। अगर वो देता है तो मैं करती हूँ, अगर वो ना दे तो मैं क्या कर सकती हूँ। गंगा की बहुत बड़ी कृपा है भक्तों के ऊपर, वो जो मुफ्त में लोगों को अन्नदान करना और शिक्षा का प्रयास करना, आज गरीबों को उन्होंने क्या नहीं दिया, हॉस्पिटल दिया, ये सब माता की जो है बहुत बड़ी कृपा है भक्तों के ऊपर। और सबसे बड़ी बात यह रह गई कि वो निस्वार्थ सेवा करती है, अपना उनका चौकी का कार्यक्रम रहता है माता की चौकी का, और हमारा फर्ज ये बनता है कि माँ को जो है हम साष्टांग प्रणाम करते हुए उनका जो है सम्मान करें, और दूसरे की कही हुई बातों पे हमें नहीं जाना चाहिए। मैं बस यही इतना मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं पहले जय श्री राधे माँ, जय माता दी, सबको नए साल की हार्दिक ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका साल सबका मंगलमय हो और माता रानी ऐसी कृपा दृष्टि बरसाते रहे, देवी माँ जी सदैव चरणों में रखें। और देवी माँ जी का यही ज्ञान है कि सबसे पहले इंसानी धर्म, क्योंकि इंसानी धर्म जिसमें आज उसमें प्रभु का वास होता है, क्योंकि माँ जी जगह जगह जा रहे हैं सबको, जैसे जो भी जरूरतमंद लोग हैं जैसे रोड पे सोते हैं वो रात को जाते हैं मगर वो मीडिया को शो नहीं करते, क्योंकि उनका ज्ञान क्या है, गुप्त दान महाकल्याण। जैसे बहुत ज़्यादा जो जरूरतमंद लोग हैं जैसे रोड पे सोते हैं वो रात को जाते हैं, उनको कंबल ओढ़ के आ जाते हैं, फिर उसके बाद ऑटो रिक्शा वाले हैं उनको देते हैं, यानी वो ऐसे जगह पे जाते हैं जहाँ पर कोई भी नहीं पहुँचता तो वो अपनी सेवा देकर आते हैं। बस उनका यही है कि गुप्त अपना देसा से लेके अंधेरी तक अभी कवर कर चुके हैं, अभी नेक्स्ट जैसे जैसे स्टेशन पड़ेगा वैसे वैसे आगे आगे जाएंगे, क्योंकि माँ जी का यही है कि जितना हम कर सकते हैं उतना हम करते हैं सेवा। हिलाने से माते हिला नहीं करती है, किसी के पर गलाने से माते हिला नहीं करती है, और मूर्ति पर धूल उड़ने से वायु तो बदला नहीं करती है। ये तो मेरी राधे माँ है जिसके पीछे मंजिलें चले करती है। राधे माँ जी बहुत अच्छी हैं, सबसे पहले राधे माँ जी को मेरा सत सत नमन है, और नए साल में सभी देव काम करें। काफ़ी टाइम से मैं जानती हूँ राधे माँ जी को और काफ़ी मिली हूँ मैं उनको, आज उनके हाथ से मुझे ट्रॉफी मिली है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। और राधे माँ को शायद लोग नहीं जानते, क्योंकि जो वो प्यारी है ना, जितनी प्यारी है वो राधे माँ, वो उनका जो असली अस्तित्व जो अंदर से है वो लोग नहीं जानते ज़्यादा, कुछ भी कहते हैं लोग, लेकिन मेरे हिसाब से मतलब इतनी लविंग पर्सन है वो। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं यहाँ पर ये दबंग दुनिया ग्रुप के इस चैरिटेबल कार्यक्रम में आया हूँ। परम पूज्य ममतामयी श्री राधे माँ जी भी यहाँ पर पधारे, और राधे माँ जी ने यहाँ पर कई बच्चों को स्कूल ड्रेसेस दिए, और सबसे अच्छी बात यह है कि विरार में जो मदर टेरेसा ओल्ड एज होम है, उस ओल्ड एज होम को देवी माँ जी का जो चैरिटेबल ट्रस्ट है, श्री राधे माँ चैरिटेबल ट्रस्ट, उसकी तरफ से चार रूमों की सेवा दी गई है। चार रूम्स देवी माँ जी के ट्रस्ट की तरफ से बनाए जा रहे हैं, जिनकी कॉस्ट लगभग 15 लाख रुपए आ रही है, और उसकी पहली किस्त 3,51,000 आज राधे माँ जी ने मिस्टर विक्टर को, जो वहाँ के फाउंडर है, उनको सौंपा। तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि राधे माँ चैरिटेबल ट्रस्ट ऐसे बढ़िया बढ़िया काम कर रहा है, और मुझे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन के बहुत खुशी। राधे माँ जी का आशीर्वाद हमेशा हम सब पर रहता है, और मुझे बहुत खुशी हुई कि आज म्यूज़िकल चैरिटी नाइट थी तो आज राधे माँ के भी दर्शन आज मिले हमको, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे आशीर्वाद लेके। मैं आज स्पेशली यहाँ पे अपनी बहन स्नेहा शंकर, पिताजी राम शंकर जी का परफॉर्मेंस, और स्पेशल मेरा आने का मकसद ये था कि राधे गुरु माँ जी के दर्शन होने वाले हैं, उनकी हमारे परिवार पर बहुत ज़्यादा मैं सैयद अजहर मोहम्मद, यहाँ पर बहुत अच्छा लगा यहाँ आके रामशंकर जी के साथ और राधे माँ जी के साथ, बहुत खुशी हुई। सरकार नया साल इनके लिए सबको कामयाबी दे और तरक्की। हमने अब आए सीधा पहले बात ही राधे माँ से आपने शुरुआत करी है, तो वहीं से सब राधे माँ को समझना सबके बस की बात नहीं है, और राधे माँ को वही समझ सकता है जिसमें श्रद्धा हो, और श्रद्धा में भी अटूटपन हो।